Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is revocation. Revocation mein hum study karenge revocation of acceptance. Section 5 paragraph 2 of the Indian Contract Act 1872 gives us what revocation of acceptance is. Iske pehle maine revocation of proposal pe already video bana di hai. Guys, I request you, agar aapne wo video nahi dekhi hai to pehle us video ko dekhna, because इस वीडियो में मैं सब कुछ बहुत ब्रीफिंग में बताऊंगी, क्योंकि इसका और उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है. रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल के सिर्फ डेफिनेशन में डिफ्रेंसिएशन है, बाकी के बहुत पॉइंट्स सिमिलर हैं. सो आई विल बी ब्रीफिंग दोज पॉइंट्स हियर अगेन, बट इफ़ यू विश टू गेट यू नो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना और उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो. गाइज, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ. अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आई प्रॉमिस टू प्रोवाइड यू विद बेस्ट क्वालिटी वीडियोज हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एंड येस, इफ़ यू इन्जॉय वॉट आई टीच एंड यू यू नो अंडरस्टैंड एवरीथिंग, प्लीज़ लाइक ऑल माई वीडियोज एंड लीव अ कॉमेंट एंड लेट मी नो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Now, what is meant by revocation? As I've already told you, कि हम section 5 and section 6 of the Indian Contract Act study करेंगे, because these two sections they relate to revocation. वो revocation के साथ related हैं, right? हमने section 5 paragraph 1 already read कर लिया, which deals with revocation of proposal. Here I am with section 5 paragraph 2, which deals with revocation of acceptance. Revocation is nothing but withdrawal. जब आप किसी अपने offer को, अपने proposal को, अपनी acceptance को वापस लेते हो, तो उसको हम revocation बोलते हैं, withdrawal करते हो. तो what is meant by revocation of acceptance? अब इसको देखने से पहले आपको acceptance भी पता होना चाहिए क्या है. तो अगर आपने acceptance की videos मेरी नहीं देखी हैं, उसको भी देख लेना, because वो concept यहाँ पे काम आएगा. And if you are very well aware of what an acceptance is, you will be able to understand this video. So revocation of acceptance says, section 5 paragraph 2 says that an acceptance may be revoked at any time. अब पहला बात तो यह है कि एक्सेप्टेंस कौन रिवोक कर सकता है? ऑब्वियसली दी एक्सेप्टर, राइट? ए सेज टू बी दैट आई विश टू सेल माई कार टू यू वर्थ 2 लाख रुपीज, विल यू बाय माई कार? बी सेज येस, आई एम विलिंग टू परचेज योर कार फॉर 2 लाख रुपीज. नो, हु इज द प्रोमिसी हियर? प्रोमिसी कौन है? बी, क्योंकि बी ने प्रोमिस कर लिया, तो बी कौन बन चुका है? एक्सेप्टर बन चुका है. अब जो एक्सेप्टर है वही एक्सेप्टेंस को रिवोक करेगा, इज इट? तो पॉइंट क्या आता है कि एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड ईदर बाय दिस पर्सन प्रोमिसी एक्सेप्टर टू बी मोर प्रिसाइज और इज ऑथराइज्ड एजेंट. पहली बात तो एक्सेप्टेंस को कौन रिवोक कर सकता है? तो एक्सेप्टर ही रिवोक कर सकता है, इज इट? और हिज ऑथराइज्ड एजेंट. अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. एक्सेप्टर कौन है? बी इन दिस एग्जाम्पल, राइट? तो इसकी डेफिनेशन को बहुत प्रिसाइजली मैं समझाऊंगी, बट अगर आप इसको इन डेप्थ प्रॉपरली समझना चाहते हो तो एक्सेप्टेंस चैप्टर को जरूर देख लेना, पर्टिकुलरली सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन, आई एम सो सॉरी, तो यहाँ पे है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इट मीन्स एक्सेप्टेंस मे बी विड्रॉन. बी ने एक बार के लिए तो ए को बोल दिया कि येस आई एम विलिंग टू परचेज योर कार फॉर 2 लाख रुपीज. वॉट इफ बी का माइंड चेंज हो जाए? अब क्योंकि बी का माइंड चेंज हो चुका है, तो बी अब कार खरीदना नहीं चाहता. तो येस, बी के लिए डोर्स ओपन है दैट ही कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस. ही हैज़ हैड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू रिवोक इट. वो वापस भी ले सकता है अपनी एक्सेप्टेंस को, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कब तक वो वापस ले सकता है. तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल वर्डिंग में समझाऊं, तो अगर बी ने अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दी है, उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाल दी है, अब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अल्टीमेटली ए के पास पहुंच जाएगी, बट बी को कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले, ए के पास उसके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले उसका लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच जाए. उस चीज़ के लिए क्या करना होगा? बी को कुछ सुपीरियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लेना होगा. इट मीन्स अगर उसने अपनी लेटर ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजी थी, तो वो क्या कर सकता है? एक स्पीड पोस्ट पे अपनी लेटर को डाल सकता है, ताकि इसके पहले ए को उसकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिले, उसके पहले उसको मिले तो ए को क्या मिल जाए? उसकी लेटर ऑफ रिवोकेशन मिल जाए. तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि बी कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस. वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, बट कब तक रिवोक कर सकते हैं? जब तक ए, यानी कि जिसको उसने एक्सेप्टेंस दी है, जब तक वो उसको रीड ना कर ले, जब तक वो उसकी एक्सेप्टेंस ए की नॉलेज में ना आ जाए. इट मीन्स बी कैन डेफिनेटली रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, बट बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट बी. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्सेप्टेंस जो होती है वो दो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट डेट्स पे
यू नो कंक्लूड होती है. हमने एक्सेप्टेंस में ऑलरेडी देख लिया सेक्शन फोर में, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. आई हैव टोल्ड यू कि ये क्रॉस बनता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट दिस पर्सन प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय दिस पर्सन सो हैज टू बी यू नो आउट ऑफ हिस पार. एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर. इसके लिए कब कंप्लीट होती है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, विच मीन्स ए इन दिस एग्जाम्पल. तो इसके पहले ए की नॉलेज में आए बी की एक्सेप्टेंस, बी अगर रिवोक करना चाहता है तो उसको कब तक रिवोक करना है? जब तक ए की नॉलेज में नहीं आता कि बी ने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दे दी है. और इसके लिए उसको कोई स्पीडियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना होगा. तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड, इट कैन बी विदड्रॉन ऑब्वियसली बाय दिस पर्सन बी एट एनी टाइम. किसी भी टाइम पे वो रिवोक कर सकता है, एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट बी, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. तो इसके लिए कब कम्प्लीट होती है? हम एक्सेप्टेंस में ऑलरेडी देख चुके हैं, वेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड. तो इसके पहले ए उसकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़े, ए को उसकी लेटर ऑफ रिवोकेशन पढ़नी होगी अगर उसके पास पहले पहुंचेगी. तो हम एक ये वाली एग्जांपल करेंगे, इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि बिकॉज हम टाइमिंग्स के साथ रिलेटेड इस एग्जांपल को समझेंगे. इज इट, आई होप आपको समझ आया. अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जो हम सेक्शन 5 पैराग्राफ 2 स्टडी करते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन सिर्फ हम तब तक लगाएंगे जब तक इट इज वाया पोस्ट. जब तक ये रिवोकेशन हो रही है, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, इट इज़ वाया पोस्ट. बिकॉज अगर पार्टीज आर कम्युनिकेटिंग वाया इंस्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो इंस्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा? ए ने बी को फ़ोन कॉल लगाया और प्रपोजल रखा. बी ने एक दो दिन ही थॉट अपॉन इट और उसने फिर ए को फ़ोन कॉल लगाया और उसने कहा कि येस आई एम विलिंग टू परचेज. जब इसका येस ए को सुन गया, एट दैट टाइम यू नो द मोमेंट यू नो एट विच ए रेड और हर्ड हिज एक्सेप्टेंस, उस टाइम पे इनका कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो चुका है. तो जब बी ने बोल ही दिया तो अपने बोले हुए वर्ड्स वो वापस नहीं ले सकता, राइट? वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकता. तो इंस्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन में तो कोई चांस या कोई प्रोबेबिलिटी रहती ही नहीं कि आप रिवोक कर सको, बिकॉज वो इंस्टेंट होती है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट लेटर और पोस्ट, तो उसमें हम इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं. इसीलिए सेक्शन 5 पैराग्राफ 2 की जो इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ तब रहेगी व्हेन कम्युनिकेशन इज मेड बाय अ पोस्ट एंड नॉट बाय इंस्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. दीज पॉइंट्स हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड जब हमने रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल को स्टडी किया है. अब इसकी डेफिनेशन में आता है ना, यू नो एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट दिस पर्सन बी, बट नॉट afterwards, इज इट? तो इस चीज़ को भी समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं, वो बिफोर पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अब एग्जाम्पल क्या है, और ये एग्जाम्पल रिलेट करती है विद टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. तो ये दो बहुत टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, वो हम इसको डिस्कस करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन ए, ही मेड अ प्रपोजल टू पर्सन बी. उसने कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहता हूँ, ठीक है? इसने प्रपोजल रखा. अब अगर सपोज इसने प्रपोजल रखा और इस इंसान ने अपनी एक्सेप्टेंस इसको दे दी दैट येस आई एम ओके, आई एम विलिंग टू परचेज योर प्रॉपर्टी वाया लेटर्स दे आर कम्युनिकेटिंग. बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, इंस्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, राइट? अब क्या हुआ, सपोज इसने 3:50 PM पे ऑन अ सर्टन डेट एंड डे उसने 3:50 PM पे अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो लिख दी, एक्सेप्टेंस लेटर हैज़ बिन पोस्टेड, और वो इस इंसान को ए को 8:30 PM पहुंच जाते, रात के 8:30 बजे 8:30 PM ही रिसीव्ड दैट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय दिस पर्सन बी. नाउ व्हाट हैपेंड इज 3:50 PM पे जब उसने अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दी, ठीक है, पोस्ट कर दी उसने, अब उसको 5 बजे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मेरी जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको रिवोक करना है, राइट? उसके माइंड में कुछ आया, उसका माइंड चेंज हुआ और वो सोचता है कि नहीं मुझे इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना, मे बी टर्म्स एंड कंडीशंस इस इंसान के लिए फेवरेबल ना हो. तो उसने क्या किया, शाम के 5:30 साढ़े 5 बजे सोचा कि मुझे रिवोक करना है. तो उसने क्या किया, रात शाम के 5:30 बजे अपने लेटर को रिवोक करने के लिए भेज दिया. लेकिन अब वो जो उसकी लेटर ऑफ रिवोकेशन है उसने बाय स्पीडियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भेजी. स्पीडियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर ये उसने वाया ऑर्डिनरी पोस्ट भेजी थी अपनी एक्सेप्टेंस, तो वो लेटर ऑफ रिवोकेशन
स्पीड पोस्ट पे भेज देगा ताकि ए के पास पहले पहुंच जाए, राइट। क्योंकि ए के पास जो भी चीज़ पहले पहुंच गई वही चीज़ वैलिड होगी। अगर उसके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पहुंच गया तो वो वैलिड होगा, अगर एक्सेप्टेंस ऑफ यू नो लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पहुंच गया तो वो वैलिड होगा। अब इसने 5:30 PM लेटर ऑफ रिवोकेशन भेज दी, बट वो लेटर ऑफ रिवोकेशन ए को 9:00 मिलती है। तो यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, कोर्ट क्या कहता है कि टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जब हम देखते हैं तो अब देखो बेशक इस इंसान ने तो रिवोक 5:30 कर दिया, बट हम इस चीज़ को नहीं कंसीडर करेंगे। जो चीज़ कंसीडर करने वाली है वो ये दो टाइमिंग्स है विच आई हैव मार्क्ड फॉर यू। अब यहाँ पे कोर्ट को देखना होगा अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 8:30 से पहले पहुँच जाती, मे बी 8:00, मे बी 7:00, मे बी 8:15, ठीक है, अगर उसको पहले पहुँच जाती बिफोर, राइट, 8:30 से पहले, बिफोर ही रिसीव दैट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस विच इज़ सेंट टू हिम बाय बी, अगर उसको उसके पहले लेटर ऑफ रिवोकेशन मिल जाती एट एनी टाइम बिफोर दैट, 8:30 के पहले, इवन 8:29 पे भी अगर उसको पहुंच जाती तो वो एक वैलिड रिवोकेशन होती, वो एक रिवोकेशन वैलिड होती। मोर ओवर अगर उसको, अब पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि वॉट इफ उसको दोनों लेटर्स एक ही टाइम पे पहुंची, 8:30 उसको लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंची और 8:30 ही उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंची, तो जिस लेटर को वो पहले रीड करेगा वो मान लिया जाएगा। अगर उसने लेटर ऑफ रिवोकेशन को पहले रीड किया तो लेटर ऑफ रिवोकेशन पहले मान ली जाएगी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पहले रीड कर लिया तो वैलिड एक्सेप्टेंस विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको पॉइंट समझाया बिफोर, राइट, बिफोर हम कहते हैं ना एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो बिफोर का मतलब नॉट ओनली बिफोर, पहले अगर आपका लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंचता है तो ऑब्वियस है कि आपकी रिवोक हो चुकी है, पहले पहुंच चुका है लेटर, तो जब आपकी एक्सेप्टेंस से रिवोक हो चुकी है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट बिफोर मीन्स एट द मोमेंट ऑल्सो, नॉट ओनली पहले बट एट द मोमेंट ऑल्सो। क्या पता उसको 8:30 ही पहुंचे, तो अगर 8:30 भी उसको दोनों लेटर्स पहुंचती हैं तो जो लेटर उसकी नॉलेज में पहले आएगी वो चीज़ को कोर्ट मानेगा। तो टाइम का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि लेटर ऑफ रिवोकेशन कब भेजा वो इमटीरियल है, इट इज़ नॉट यू नो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट मटीरियल कि लेटर ऑफ रिवोकेशन कब भेजा, रिवोकेशन ऑफ यू नो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब भेजा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज टाइम ऑफ रिसीट ऑफ यू नो लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जिस टाइम पे उसको रिसीट हुआ, जिस टाइम पे उसको मिला, उसने रीड किया, जिस टाइम पे इट हैज़ कम टू हिज नॉलेज, वो टाइम को हम कंसीडर करेंगे। तो मैं इस एग्जांपल से आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि बिफोर का मतलब एट द मोमेंट ऑल्सो वो भी होता है। मोर ओवर आई विश टू टेल यू कि जो टाइम रहता है उसमें थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी रहती है, तो ये एग्जाम्पल बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि टाइम फॉर यू नो सेंडिंग रिवोकेशन मैसेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने कब भेजा वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट वॉट इज़ मटीरियल इज दैट टाइम फॉर रिसीट ऑफ लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब उसको मिला। अगर उसको 8:30 से पहले मिलता तो वो वैलिड रिवोकेशन होती, 8:30 पे अगर मिलता एग्जैक्टली दोनों लेटर्स सेम टाइम पे मिलती तो जो उस इंसान की नॉलेज में पहले आता वो वैलिड होता। बट स्टिल इस एग्जाम्पल में उसको 9:00 मिला, इट मीन्स एक्सेप्टेंस पहले ही हो चुकी है, तो यहाँ पे दिस रिवोकेशन विल नॉट बी अ वैलिड रिवोकेशन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसी से रिलेटेड हम सेक्शन 4 को डिस्कस कर लेते हैं, दो वी हैव डिस्कस्ड इट नंबर ऑफ टाइम्स। सेक्शन 4 कहता है कि व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, आपने रिवोक कर दिया, राइट, यू हैव रिवोक्ड योर एक्सेप्टेंस, बट व्हेन इज इट कंप्लीट। तो जस्ट लाइक एक्सेप्टेंस ये भी यू नो इट विल बी कंप्लीट एज अगेंस्ट टू डिफरेंट पर्सन ऑन टू एट टू डिफरेंट टाइम्स, यानी कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। रिवोकेशन कौन करेगा, एक्सेप्टर करेगा, ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू बिगिनिंग में। तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट यू नो अ पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ हिज पावर। इट मीन्स जैसे ही इस इंसान ने 5:30 PM पे ऑन अ पर्टिकुलर डेट डे एंड टाइम एंड प्लेस जिस टाइम पे इसने उस लेटर ऑफ रिवोकेशन को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, अब क्योंकि उसने डाल दिया तो इट हैज़ बिकम आउट ऑफ हिज पावर, उसको अब वो वापस नहीं निकाल सकता, वो अल्टीमेटली ए के पास पहुंच जाएगा, तो ही इज़ बाउंड बाय द रिवोकेशन। इसके लिए रिवोकेशन कब कंप्लीट होती है, व्हेन इट इज़ पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ हिज पावर। बट रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, किसको की गई है, ए को, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। तो वही पॉइंट आपको समझ आया कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट अ पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट हैज कम टू हिज नॉलेज।
व्हेन इट हैज़ कम टू हिज नॉलेज, मीन्स इसकी नॉलेज में तो रात के 9 बजे आया ना, जबकि उसके पहले उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 8:30 मिल चुका था. तो जब तक उसको रिवोकेशन नहीं मिली थी तब तक तो उसके लिए वैलिड एक्सेप्टेंस थी. तो ये इसीलिए ये एक्सेप्टेंस यहाँ पे वैलिड है, इसीलिए यही रीज़न है कि यहाँ पे रिवोकेशन इनवैलिड है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसकी नॉलेज में कब आया. सिंस इट हैज़ कम टू हिज नॉलेज आफ्टर ही हैज़ रिसीव दिस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, इट इज़ एन इनवैलिड रिवोकेशन. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. और अगर वही दोनों लेटर्स, लेटर ऑफ रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस, उसको 8:30 मिलते हैं, तो जो भी लेटर कम्स टू हिज नॉलेज फर्स्ट, वो उस चीज़ को हम वैलिड मान लेंगे और उसी से फिर हम देखेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ या नहीं हुआ, क्या वो रिवोकेशन वैलिड थी या नहीं थी. आई होप आपको सेक्शन 4 भी क्लियर हो चुका है. वी आर ओनली लेफ्ट विथ सेक्शन 3. अगर मैं सेक्शन 3 को डिस्कस करूँ तो सेक्शन 3 क्या कहता है कि हाउ कैन यू रिवोक एन एक्सेप्टेंस, राइट? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे. इट बेसिकली डील्स विद हाउ, किस तरीके से आप रिवोकेशन को कम्युनिकेट करते हो. इट इज़ कम्युनिकेटेड वाया एन एक्ट और ओमिशन, राइट? आई हैव टोल्ड यू कि इफ़ यू आर इन अ रूम विच इज़ यू नो खाली है बिल्कुल, देर इज़ नोबडी इनसाइड दैट रूम, और आप अकेले, ये इंसान अकेला बोलता है, रिवोक करता है कि नहीं मुझे इस प्रॉपर्टी को बाय नहीं करना, राइट? अब उस रूम में कोई भी नहीं है, इट मीन्स आपकी इंटेंशन ही नहीं है टू कम्युनिकेट योर रिवोकेशन टू द अदर पर्सन, राइट? एक तो आप ऑब्वियसली मेंटल डिटर्मिनेशन इज नॉट सफिशिएंट, देर मस्ट बी फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट. आपने एक्ट ज़रूर किया, आपने कुछ किया ज़रूर. एक्ट क्या है कि आपने खाली रूम में कहा कि मुझे इसको एक्सेप्ट नहीं करना, आपने एक्सेप्टेंस को रिवोक किया. बट सिंस उस एक्ट का इंटेंशन ही नहीं था, आपकी मेयर मेंटल डिटर्मिनेशन थी, एंड मेंटल डिटर्मिनेशन इज नॉट सफिशिएंट, देर मस्ट बी फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट, इज इट? तो बाय एन एक्ट और ओमिशन आप क्या कर सकते हो, अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो, प्रोवाइडेड उस एक्ट और ओमिशन में क्या होना चाहिए, इंटेंशन और इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इंटेंशन होना भी ज़रूरी है. खाली रूम में रिवोकेशन को अगर आप यू नो बोलते हो तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड रिवोकेशन. या फिर दूसरी एग्जाम्पल लेते कि आप एक रूम में हो, ऑल दो दिस पर्सन ए इज़ नॉट सिटिंग, जिसको आपने रिवोक करना है, बट ए का ऑथराइज एजेंट उस रूम में बैठा है. इट मीन्स कम्युनिकेशन टू एजेंट इज डीम्ड एज कम्युनिकेशन टू द प्रिंसिपल. तो आपने उसके एजेंट को बता दिया, इट मीन्स आपने प्रिंसिपल को बता दिया. या तो इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, इफेक्ट मतलब एजेंट को बता दे तो प्रिंसिपल को बता दिया. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे क्या समझा रही हूँ कि हाउ इज़ रिवोकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस मेड, वॉट इज़ द मोड, राइट? वो मोड क्या है, वो यही है बाय एन एक्ट और ओमिशन. आपके पार्ट पे कुछ होना चाहिए या ओमिशन होनी चाहिए, इधर एन एक्ट और ओमिशन, बट दैट एक्ट और ओमिशन मस्ट बी सच विच कैरीज ईदर द इंटेंशन, या तो उसमें इंटेंशन होना चाहिए, और इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग योर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी, मीन्स टू द पार्टी टू हुम इट इज़ मेड. आई होप गाइस आपको रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी समझ आ गया है. सेक्शन 5 पैराग्राफ 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद रिवोकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, इज इट? सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय.